अगदी एका मिनिटासाठी तुम्हाला थांबवते. एक खूप महत्त्वाची बातमी येते आणि याच संदर्भातली. एक राम मंदिराच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वाची निर्णय दिलेला आहे. तो म्हणजे राम मंदिराबाबत मध्यस्थांची आता नेमणूक करण्यात आलेली आहे, मध्यस्थांच्या समितीची. अशी आत्ताची अत्यंत महत्त्वाची बातमी आपल्यापर्यंत पोहोचते आहे. आपल्याला माहिती आहे 10:30 यासंदर्भातला निर्णय येणार होता. आणि एकीकडे एक महत्त्वाची बातमी ती म्हणजे अयोध्या प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात निर्णय झालाय. मध्यस्थ नेमणुकीबाबत आता सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालचं जे घटनात्मक खंडपीठ होतं, त्यांनी राम मंदिराबाबत मध्यस्थांच्या पॅनलची नेमणूक केलेली आहे. आपल्याला माहिती आहे याच्यामध्ये दोन मतं व्यक्त केली जात आहेत. काही जण याबद्दल सकारात्मक आहेत आणि दुसरा गट याबद्दल नकारात्मक देखील आहे. कदाचित मध्यस्थ नको असं देखील त्यांचं म्हणणं होतं. आणि अयोध्या वादावर आता मध्यस्थांच्या मार्गानंच तोडगा काढला जाईल असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलंय. नेमकं काय म्हटलंय सुप्रीम कोर्टानं थेट जाणार आहोत. प्रशांत लीला रामदास आमचे प्रतिनिधी आता आपल्या सोबत आहेत. प्रशांत, काय म्हटलंय सुप्रीम कोर्टानं? सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की हा जो मुद्दा आहे अत्यंत भावनाशील मुद्दा आहे आणि ज्या पद्धतीनं कोर्टाच्या माध्यमातून याला यातून आपला निर्णय तर घेता येईल, पण हा गेल्या अनेक वर्षापासून असा भावनाशील भारतीयच्या भावनांशी जोडलेला मुद्दा आहे आणि ह्या भावनात्मक पद्धतीने त्याचा निकाल काढण्याची गरज आहे. आणि ज्या पद्धतीने याला हिंदू महासभेने विरोध केला होता की मध्यस्थ नेमल्याने पुन्हा विरोध होण्याची शक्यता आहे, तर त्यावरती ज्या पद्धतीनं कोर्टाने म्हटलं आहे की जर दोन्ही पक्ष जर सामंजस्याने यावर निर्णय घेईल तर समाजात तेढ निर्माण होणार नाही आणि महत्वाचं म्हणजे यातून मार्ग योग्य पद्धतीने निघेल आणि त्यावरती शिक्कामोर्तब सुप्रीम कोर्ट करेल असंही त्यांनी स्पष्ट म्हटलंय. त्याचमुळे ज्या पद्धतीने गेल्या काही दिवसापासून ज्या पद्धतीने सुप्रीम कोर्ट बघितलं जातो, सुप्रीम कोर्टाचा मध्यस्थ नेमण्याचा प्रयत्न होता आणि तोच प्रयत्न जवळपास यशस्वी झालेला आहे. त्यांनी मध्यस्थाचं पॅनल नेमलेलं आहे. हे जे पॅनल आहे हे साधारणतः हे जे पॅनल आहे साधारणतः असं म्हणता येईल आपल्याला की यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करेल. आणि एक प्रकारे हा जो मोठा मुद्दा राम मंदिराचा जे वादग्रस्त जागा आहे, ज्याला त्या वादग्रस्त जागेच्या जवळ खास करून हक्काच्या संदर्भातली जी ही जमीन कोणाच्या मालकीची आहे या संदर्भात ते निर्णय देतील आणि मध्यस्थ हे साधारणतः ही संपूर्ण प्रक्रिया पार करेल. आणि प्रशांतांचा आवाज आपल्यापर्यंत थेट पोहोचू शकत नाही, पण आताची सगळ्यात महत्वाची बातमी आपण बघतो आहोत. बघूयात काही प्रतिक्रिया. समझौता करके जो भी हो राम मंदिर का फैसला होना चाहिए. मैं दिलीप दास त्यागी, अयोध्या राम वैदेही मंदिर. मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द राम मंदिर का फैसला हो. रिटायर्ड जस्टिस की देख सकते? हाँ ठीक है, अच्छा है, उनके ऊपर कुछ न कुछ भरोसा है. लेकिन इसमें श्री श्री रविशंकर जी को मिला लिया, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है. क्योंकि अयोध्या के लोगों ने ना तो मुस्लिम पक्ष ने, ना तो हिंदू पक्ष ने, ना तो विश्वहिंदू परिषद ने, ना तो अयोध्या के संत समाज ने, किसी ने रविशंकर जी को तवज्जो नहीं दिया. रविशंकर जी आए और वापस चले गए. जज साहब हैं, जस्टिस हैं, उनका तो ठीक है, और कोई चेहरा खोजे जो समझौता करा सके. ये रविशंकर जी के बस कई बात नहीं है. क्या कहेंगे? राम जन्मभूमि का फैसला है, इसको फंसाया जा रहा है. फैसले को फंसाया जा रहा है और कम से कम तब तक के लिए जब तक चुनाव न हो जाए. मोदी की ये सारी राजनीति है, वो जन्मभूमि चाहते ही नहीं कि बने, इसीलिए रविशंकर जी को, रिटायर जजों को ये सारे बवाल कर रहे हैं. और बाकी हिंदू जनमानस सबकी बहुत खिन्न है मोदी से और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों में. वो अपने आप को इकलौता बुद्धिमान पूरे हिंदुस्तान का समझ रहे हैं, ये अच्छी बात उनके लिए कम से कम नहीं है. हाँ, रास्ता निकलना चाहिए जन्मभूमि का, लेकिन ये मोदी के कार्यकाल में संभव नहीं है. और जब तक प्रधानमंत्री योगी मोदी रहेंगे तब तक राम जन्मभूमि का फैसला आ नहीं सकता. महंत नीरज दास शास्त्री, अयोध्या. आताची एक महत्त्वाची बातमी आपण बघतोय. जस्टिस इब्राहिम खलिफुल्ला हे आता मध्यस्थ असणार आहेत आणि आपल्याला माहिती आहे सुप्रीम कोर्टानं याआधी हा निर्णय राखून ठेवलेला होता, पण आता सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलेला आहे. आता जी माहिती कळते त्यानुसार श्री श्री रविशंकर, श्रीराम पंचू हे देखील आता मध्यस्थ असणार आहेत अशी माहिती आता कळते. आताची एक महत्त्वाची बातमी आपण बघतोय, सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलेलं आहे या वादावर, राम मंदिराच्या मुद्द्यावर आता मध्यस्थांच्या पॅनलची नेमणूक करण्यात आली आहे अशी देखील माहिती सध्याची कळते. एक महत्त्वाचा निर्णय, अयोध्या वादावर आता मध्यस्थांच्या मार्गानंच तोडगा काढला जाईल हे आता सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलेलं आहे. आताची या क्षणाची
सगळ्यात महत्त्वाची बातमी आपण बघतोय. त्रिसदस्यीय समिती यामध्ये तोडगा काढेल असं देखील आता स्पष्ट झालेलं आहे. आपल्याला माहिती आहे याआधी हा मध्यस्थीच्या प्रकरणी धार्मिक भावनांशी जोडलेला हा प्रश्न आहे. हिंदू महासभेनं मध्यस्थीला विरोध केला होता आणि निर्मोही आखाडा आणि मुस्लिम बांधवांनी मात्र मध्यस्थ नेमायची तयारी दर्शवली होती. ऐसा हिंदू महासभा का अपना स्टैंड अपने देगा. फैसलाबाद में हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल रखने का है और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीडिएशन की प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट ना करें. सर नाम बता दीजिए, एक बार नाम बता दीजिए. कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि अगर कलीफुल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं वो इस मध्यस्थता मीडिएशन के चेयरमैन होंगे. जस्टिस पंचू और श्री श्री रविशंकर इस मैटर में मीडिएशन करेंगे और कोर्ट ने जो भी पार्टी ने नाम सुझाया था उस नाम पे भी गौर किया. क्या कोर्ट ने इस पर भी बोला है कि पैनलिस्ट या फिर जो पार्टीज हैं वो किसी को ना बताएं, शेयर ना करें जानकारी? कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है सारी पार्टीज को और मीडिएटर को कि मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट नहीं होंगी और मीडिएशन में अगर मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स को कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसको क्लैरिफाई करेगी. ये तो चार हफ्ते का समय सीमा दिया है. चार रिपोर्ट देने की बात कही कि फैसला आ जाएगा? रिपोर्ट ऑलवेज मीडिएटर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करेगा और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अगर उसमें उनको कोई डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उस बात को क्लैरिफाई करेगा. ये जो दो बाकी जज हैं, श्री श्री रविशंकर के बारे में तो हम जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस है, बाकी जो जज हैं कलीफुल्ला उनको अध्यक्ष पर है, क्या मेरिट क्या है उनको बनाने का? जस्टिस कलीफुल्ला सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है कि वो किसको मीडिएटर अपॉइंट करता है. ठीक है, श्रीराम पंचू के बारे में क्या जानकारी है? देखिए उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मीडिएटर पैनल अपॉइंट किया उसके सामने हम जाएंगे और अपनी बात करेंगे. सर ठीक है, हिंदू महासभा और सुप्रीम कोर्ट ने आताची एक महत्त्वाची बातमी. श्री श्री रविशंकर, श्री राम पंचू आणि जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्ला हे मध्यस्थ असणार आहेत आणि राम मंदिराच्या मुद्द्यावर आता मध्यस्थांच्या पॅनलची सुप्रीम कोर्टानं नेमणूक केलेली आहे. अयोध्या वादावर आता मध्यस्थांच्या मार्गानं तोडगा काढला जाईल हे आता स्पष्ट झालेलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं यावर आपण बघतोय शिक्कामोर्तब केलेला आहे. प्रशांत यांच्याकडून अधिक माहिती घेणार आहोत. प्रशांत, जसं तुम्ही सांगत होतात तीन सदस्य आणि त्याच्याबद्दल नेमकं सुप्रीम कोर्टानं काय काय म्हटलंय? आणि खास करून ते तीन सदस्य आहे ज्यामध्ये माजी न्यायाधीश जे आहे एफ एम कैलेफुल्ला ते असतील, श्री श्री रविशंकर असतील आणि श्रीराम पंचोल हे जे आहे हे तीन सदस्य असतील. याशिवाय इतरही दोन सदस्य असतील. प्रशांत, त्यांचा आवाज आपल्यापर्यंत नीट पोहोचू शकत नाहीये. राम मंदिराच्या मुद्द्यावर मध्यस्थांच्या पॅनलची नेमणूक करण्यात आली आहे. ये मामला फैजाबाद में होगा. 8 हफ्ते के अंदर मीडिएटर को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करनी है और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर से मीडिया को मना किया है, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों को इस मैटर की रिपोर्टिंग करने से. सी सुप्रीम कोर्ट हैज रेफर्ड द मैटर फॉर मीडिएशन. जस्टिस कलीफुल्ला हु इज अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द मीडिएटर. सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो सेड दैट द मीडिया प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक बोथ will not report these proceedings and the matter and the proceedings of mediation will be in camera. आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला और क्या अच्छा? बहुत 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 अच्छा कदम है और स्वागत योग्य है. हम सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं. लेकिन आपने जो नाम इसमें दिए थे उनकी जगह कुछ और नाम निकल गए, लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं. रामलला विरोध कर रहा है? नहीं, विरोध कोई करे. देखो हम पॉजिटिव चीज में जा रहे हैं, निगेटिव बातें नहीं है और इसमें हमें राम मंदिर के लिए सब लोग मिल करके हिंदू मुसलमान हमें पूरा विश्वास है कि आगे बढ़ेंगे. आप लोगों ने पहले भी बोला था कि यू डू नॉट सपोर्ट मीडिएशन प्रोसेस. नहीं 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 नहीं, मैं आप सपोर्ट कर रहा हूं और उसमें सबसे बड़ी बात है कि श्री श्री रविशंकर जी का नाम है जो हम लोग काफी समय से मीडिएशन के प्रयास कर रहे थे. हम लोगों ने बातचीत का काफी हम लोगों ने आगे बढ़ाया था तो इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं. चार हफ्ते का टाइम दिया स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए. हाँ, आफ्टर द स्टार्ट फर्स्ट मीटिंग तो बिल्कुल बहुत ही वो है और हम इसका स्वागत करते हैं और बिल्कुल अच्छा होगा. आपण काय की प्रतिक्रिया देखील आता बघल्या. राम मंदिराच्या मुद्द्यावर मध्यस्थांच्या पॅनलची आता नेमणूक करण्यात आली आणि महत्वाचं म्हणजे जे मध्यस्थ आहेत ज्याच्यामध्ये जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्ला, श्री श्री रविशंकर, श्री राम पंचू यांचा समावेश आहे आणि या मध्यस्थांची मीडिया रिपोर्टिंग मात्र करता येणार नसल्याचं देखील आता
सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलेलं आहे. 4 आठवड्यांचा अवधी त्यांना देण्यात आलेला आहे अशी देखील माहिती कळते आणि या 4 आठवड्यामध्ये त्यांना या संदर्भातला अहवाल द्यावा लागणार आहे. आताची एक महत्वाची बातमी आपण बघतोय राम मंदिराच्या मुद्द्यावरची आणि थेट या संदर्भात आपण अधिक बोलणार आहोत. ॲडव्होकेट गणेश सोनी सर आता आपल्या सोबत आहेत. सर, सगळ्यात पहिले तुमचं स्टुडिओमध्ये स्वागत आणि महत्वाचा मुद्दा म्हणजे याबद्दल तुमची पहिली प्रतिक्रिया. नमस्कार. प्रतिक्रिया म्हणजे अशी की या घटनेचं अतिशय उत्स्फूर्तपणे स्वागत केलं पाहिजे. त्याचं कारण असं की 2010 साली लखनौच्या खंडपीठाने या प्रकरणामध्ये निकाल दिल्यानंतर गेले 8 ते 9 वर्ष हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे आणि दोन्ही समाजाच्या आकांक्षा खूप वाढलेल्या आहेत की त्यांना लवकरात लवकर याच्यावरती निर्णय हवा आहे. परंतु आपण एक गोष्ट विसरतो की ह्या सर्व प्रकरणामध्ये लखनौला जेव्हा हा खटला जेव्हा चालला, जाब जबान्या झाल्या, पुरावे दिले गेले, तेव्हा तब्बल 38,000 कागदपत्र पानं भरतील एवढं सगळं ते मटेरियल गोळा झालेलं आहे. त्या 38,000 जवळजवळ 5 विविध भाषांमध्ये इंग्रजी आहे, हिंदी आहे, संस्कृत आहे, पर्शियन आहे, उर्दू आहे आणि पंजाबी लोकांची भाषा जी काय स्क्रिप्ट जी गुरुलिपी ज्याला म्हणतात त्या गुरुलिपी अशा 6 भाषांमध्ये हे सर्व याच्यामधलं जे मटेरियल आहे खालच्या कोर्टामध्ये पुरावा दाखल झालेला आहे आणि याचं ट्रान्सलेशन याचं इंग्रजी भाषांतर करणं हे अतिशय जिकरीचं काम होतं. त्याच्यामध्येच गली जवळजवळ 3 ते 4 वर्ष गेलेली आहेत आणि 15 दिवसापूर्वी या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना विचारलं की जे काही उत्तर प्रदेश सरकारने जे काही ट्रान्सलेशन भाषांतर जे करून पाठवलेलं आहे त्याच्याबाबत आपण समाधानी आहात का नाही आहात. तेव्हा हिंदू पक्षाचे जे सर्वोच्च वकील जे होते सिनियर कौन्सिल ज्याला मी म्हणतो मिस्टर वैद्यनाथन त्यांनी सांगितलं की आम्ही काय समाधान विलंब नाही तुम्हाला एकच नाही बिलकुल इंतजार करणे समय बीत चुका आहे. अब जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इसको हो जाने कर लेना चाहिए. स्वागत करते हैं इसका. बिल्कुल हम पूर्णतः स्वागत करते हैं क्योंकि हम लोग का बहुत दिनों से प्रयास था लेकिन वह बन नहीं पाई बात. अब संभव है कि वह जो प्रयास हम लोग का था वह हो गया. अब निश्चित है कि इसका समाधान हो जाएगा. उम्मीद बढ़ी है कुछ कि आज जो लोग इसको इश्यू बनाकर इलेक्शन जीतना चाहते थे शायद उनको नाकामी हो जाएगी और ये इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा. जितना जल्द बीजेपी को नुकसान पहुंचे इस मुल्क में उतना ही इस मुल्क के लिए बेहतर है. इसलिए कि बीजेपी और आरएसएस ये दोनों ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को 2 दर्जे का शहरी बना दिया जाए और हम जो कहें वो मुसलमानों को मानने होगा. ये नहीं हो सकता इस मुल्क में और अदालत उज़्मा ने भी ये बात बताई है कि मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है कि इसमें मसालत होनी चाहिए हम उसकी कोशिश करेंगे और हमने ये फैसला कर लिया है कि बाबरी मस्जिद का हल जो है वो सालिसी के ज़रिए निकलेगा और इन कैमरा निकलेगा. जस्टिस इसमें मीडिएटर बनाया गया है खलीफुल्लाह साहब हों चाहे राम रहीम साहब हों चाहे राम जी हों चाहे कोई भी चाहे गोंगई साहब हों यह जज को हिंदू मुसलमान के भाव से देखने वाला व्यक्ति भी कानून के उल्लंघन कर रहा है. ये जज है ये न्यायाधीश है इनके विषय में हिंदू मुसलमान कह करके उनके अपमानित करने की आवश्यकता नहीं है. हाँ जो गठित हुआ है क्या नाम है जो गठित हुआ है कि बेंच यह स्वागत योग्य है और मैं क्या नाम है मुख्य जो मुख्य न्यायाधीश है नहीं मुख्य न्यायाधीश जो गोगोई साहब है इनके बुद्धि है कि जल्दी से जल्दी निर्णय हो. इनके बुद्धि में भगवान बढ़िया से कृपा करें कि ये अच्छे इनका बुद्धि आवे काम करें. महाराज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर प्रक्रिया शुरू करें. तो 1 हफ्ते के अंदर नहीं हम चाहता हूं कि आज प्रक्रिया शुरू करो. हाँ अपने व्यवस्था करो आओ शुरू करो. हम लोग पंचायत से भागेंगे नहीं हम पंचायत में रहूंगा. इस पंचायत में ये लोग हैं एक तो चेयरमैन खलीफुल्लाह साहब रहेंगे दूसरा श्री श्री रविशंकर प्रसाद हैं इसलिए कि दूसरों को मालूम नहीं होगा कि क्या हो रहा है और वो अंडरग्राउंड सब कुछ होता रहेगा. इसलिए पाबंदी मसले का हल नहीं है. गांधी जी के शहादत के बाद हुकूमत हिंद ने भी आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी लेकिन क्या हुआ आज मुल्क पर आरएसएस राज कर रहा है. जिसमें 1948 को पाबंदी लगाई गई थी जिस जमात पर आज वो जमात इस मुल्क पर राज कर रही है.
इस मुल्क के जो ब्यूरोक्रेट लोग हैं उनके अंदर इतना जहर पैदा कर दिया है इसके लोगों ने कि आज मुसलमानों को इस मुल्क में रहना जो है वो मुश्किल हो गया है। तो पाबंदी मसले का हल नहीं है, मसले का हल उसी वक्त होगा कि आप समझिए एक दूसरे के साथ में डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए और फिर सही रास्ते पर पहुंचना चाहिए। इसलिए जो उन्होंने मुतालबा किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने वो अब सही है कि पाबंदी मसले का हल नहीं है। सर उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम जो है वो किसी पर फोर्स नहीं किया जाना चाहिए और जिस तरह से ये फोर्स किया जा रहा है उसे हटा देना चाहिए। बिल्कुल सही मुतालबा है उसका, इसलिए कि मुसलमान सिर्फ एक खुदा की इबादत करता है जबकि वंदे मातरम में ज़मीन को भी खुदा बनाया गया है, पानी को भी खुदा मानने के लिए कहा गया है, जो कुछ अनाज पैदा होता है उसको भी खुदा मानने के लिए कहा गया है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इस मामले में अवैसी साहब का जो मुतालबा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेंगर करने के बराबर है, ये केस को बिगाड़ने का मतलब है कि हजारों आदमी पंचायत करो। क्या ये दौर शुरू हो गया है मध्यस्थता के, मतलब मसला हल हो सकता है? हाँ, मसला हल हो सकता है, मसला अब कंगार पर है जो होगा, चाहे कोटे से होना है तो मध्यस्थता के एक सहारा मिलेगा जरूर। मध्यस्थता के कागज जब एक जो पैनल बनाया है उसके पर जज पहले जो मध्यस्थता किए था चाहे हाई कोर्ट में किया चाहे और कोर्ट में मध्यस्थता के बात कहा, लेकिन कोई पैनल नहीं बनाया, कोई व्यवस्था नहीं कि इनके माध्यम से समझौता होगा। अरे जो यह इससे समझौता में कोई भी जरूरी नहीं है, समझौता अवश्य हो जाएगा, मैं करके दिखाऊंगा। तो इकबाल जी जो फैसला आज आना था मध्यस्थता के लिए फैसला आ गया है, उसमें आया उस पर कोई सवाल तो मैं नहीं खड़ा करता, लेकिन कई बार समझौते के प्रयास हो चुके हैं और उस प्रयास का परिणाम नहीं निकल पाया था। हर राम भक्त चाहता है कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो और वह जल्द से जल्द हो। किसी भी स्तर पर विलंब कोई भी राम भक्त कोई भी पूज्य साधु संत नहीं चाहते। समझौते से अगर किसी मामले का हल हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता है, ये हम लोग पहले भी कह रहे थे। या कोर्ट के फैसले के आधार पर कोई निर्णय आ जाता है तो उसके आधार पर रामलला मंदिर, उस पर भी हम लोग विरोध में नहीं हैं। तीसरा विकल्प हमने सदा कहा है कि जब समझौता और कोर्ट के माध्यम से कोई समाधान का रास्ता नहीं निकलता है तो फिर संसद का रास्ता है या कानून बना करके रास्ता बनाने की बात आती है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आज निर्णय लिया है, समझौते की टेबल पर बैठा करके अगर परिणाम निकल आएगा तो बहुत अच्छा है। हर राम भक्त हर पूज्य संत इस प्रतीक्षा में भी। क्या लगता है कुछ लंबा होगा अगर मध्यस्थता फिर दोबारा पूरी इतनी शुरुआत होगी? देखिए अब लंबा होगा कि नहीं होगा उसमें तो समय सीमा का कुछ बंधन दिया गया है कि 4 सप्ताह का शायद अभी मैं ध्यान में आया है, लेकिन अगर 4 सप्ताह के अंदर यह मामला निर्णय की स्थिति में पहुँच जाता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी, लेकिन ये पहुंच जाए तो सबको खुशी होगी, लेकिन पहुंचने की प्रतीक्षा रहेगी। सर एक और इशू है आज मेट्रो का जो प्रधानमंत्री जी प्रदेश को, त्यामुळे ज्यांनी आताच टीव्ही लावलाय त्यांच्याकरता या क्षणाची सगळ्यात मोठी आणि महत्त्वाची बातमी ती म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिराच्या मध्यस्थांच्या पॅनलची नियुक्ती केली आहे आणि या पॅनलचे प्रमुख असणार आहेत जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्ला। त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे 3 सदस्यांचं पॅनल हे या अयोध्येतल्या वादावर तोडगा काढण्याकरता प्रयत्न करणार आहे आणि या 3 जणांच्या पॅनलमध्ये श्री श्री रविशंकर आणि श्रीराम पंचू हे 2 जण असणार आहेत आणि हे 3 मिळून या सगळ्या विषयात काही मार्ग निघतो का काही तोडगा निघतो का याकरता प्रयत्न करतील। मात्र एक महत्त्वाची गोष्ट, या सगळ्यांना 4 आठवड्यांच्या आत म्हणजे 1 महिन्याच्या आत आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा लागेल। मी
मीडिएशन में ये होता है कि हर पार्टी को एक कदम पीछे जाना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज करने होंगे दोनों ही पक्षों को, और कुछ कॉम्प्रोमाइज करके अगर कोई सेटलमेंट आपसी सहमति मेजॉरिटी में ज्यादातर लोगों में बन रही है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो एक्सेप्टेबल हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी मुहर लगा सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है अगर मीडिएशन में कुछ निकल के आता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर मुहर लगा देता है तो वो बाइंडिंग होगा, फिर ये केस खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बाइंडिंग होगा, लेकिन हाँ फिर जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर है कि एक फैसले को आप दोबारा रिव्यू पिटीशन में चुनौती दे सकते हैं, क्यूरेटिव में जा सकते हैं, तो वो जो लीगल प्रोसेस है वो रहेगा। लेकिन मीडिएशन और जो नॉर्मल एडजुकेशन है उसमें फर्क यही है कि नॉर्मल जो एडजुडिकेशन होता है उसमें कानून के तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाया जा सकता है, वो किसी एक पक्ष के चला जाए, किसी के खिलाफ हो जाए। लेकिन जब मीडिएशन होता है तो वो कोई ऐसी पेचीदा चीजें जिसमें कोर्ट चाहता है कि दोनों को थोड़ा थोड़ा सेटिस्फाई कर दें, इसीलिए कोर्ट ने कहा था कि गुड फॉर बोथ साइड्स, दोनों अगर उसमें खुश हो जाते हैं तो फिर एक फॉर्मूला निकल आता है और उससे एक आपसी सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा और उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना ठप्पा लगा देगा। यह अलग बात है कि उसको भी चुनौती दी जा सकती है, लेकिन पहले कोर्ट यह देखेगा कि जो मीडिएशन से सहमति से जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो कितना एक्सेप्टेबल है, वो कोर्ट के विवेक पर डिपेंड करेगा। अगर उनको लगता है कि ये फॉर्मूला ज्यादातर लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो फिर वो मीडिएशन फेल हो सकता है। एहतिशाम, दो चीजें थोड़ा सा क्लियर अगर कर सकें कि एक की जो हियरिंग चल रही थी टाइटल सूट को लेकर के, उसमें तो किसी एक के हक में जाना था क्योंकि टाइटल का मामला था, अब आप कह रहे हैं कि मीडिएशन में ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिससे दोनों पक्ष सेटिस्फाई हो जाएं या जितनी भी पार्टीज है वो सेटिस्फाई हो जाएं, तो क्या इस मायने में ये उससे अलग होगा सुनवाई से इसका फैसला? और दूसरा कि क्या जल्दी फैसला आएगा, क्योंकि जो हियरिंग चल रही थी उसमें तो ये अनुमान था कि 8-9 महीने तो डेली हियरिंग करें तब भी लगेंगे, तो क्या इसमें जल्दी फैसला आ सकता है उससे? देखिए, वो मीडिएशन के प्रोसेस पे और मीडिएशन किस तरह से हो रहा है उसमें कितने संजीदा लोग हैं और क्या मीडिएशन को खराब करने के लिए भी कुछ पार्टीज आ सकती हैं जैसा कि पहले का एक्सपीरियंस रहा है, तो इसमें समय कोई बांधा नहीं जा सकता। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्तों में आप सिर्फ प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए, फिर देखेंगे कि आगे कैसे चलेगा। तो क्या जल्दी हो जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ जो मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट में, जो टाइटल सूट है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था उसको जो यहाँ चुनौती दी गई है, वो अपनी तरह से चलती रहेगी, लेकिन उसकी अगली डेट अभी कोई तय नहीं है। अब देखना होगा कि अगली डेट जब आती है उसमें कोर्ट क्या करता है, क्या वो मीडिएशन के लिए रुक जाते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि मीडिएशन अपनी तरह चलता रहेगा और ये मुकदमा अपनी तरह चलता रहे। लेकिन उसके लिए भी आज के आदेश में क्लैरिटी नहीं दी गई है, तो जब अगली हियरिंग, जो नॉर्मल जो मुकदमा है उसकी जो हियरिंग है उसमें जब वो मुकदमा लिस्ट पे आएगा तब पता चलेगा कि क्या वो मुकदमा भी साथ साथ चलेगा या फिर उसको कुछ दिन के लिए रोका जा सकता है। लेकिन जैसे 4 सप्ताह के अंदर कोर्ट ने यह कहा है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट हमको चाहिए, तो कोर्ट को प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी। जी जी अच्छा है।